हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहन कुमार और मैं JNV मुजफ्फरपुर 7A का छात्र हूँ। ये मैंने एक टॉय बनाया है जो कि ये हेलीकॉप्टर है और यह बिल्कुल होममेड है और इको फ्रेंडली है। इसे हम अपने घर के सामानों से बना सकते हैं, जैसे कि कार्डबोर्ड, वायर, फेविकॉल, टेप, मोटर एंड एक प्लास्टिक पंखा। और इसके लिए मैंने कुछ मैथमेटिक्स का भी प्रयोग किया है जो कि इन दोनों को बैलेंस बनाने के लिए किया गया है। और इसे बनाते समय मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जहाँ पर इस मोटर को फिक्स किया जाना चाहिए उसके दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, दोनों के लंबाई में भी बैलेंस होना चाहिए और मेन रूप से इसके भार में बैलेंस होना चाहिए। और इसके लिए मैंने ये एक मैथमेटिक्स आपके लिए तैयार किया है। यदि हम इसे 8 सेंटीमीटर लेते हैं तो इसे हमें 10 सेंटीमीटर लेना होगा एंड जब इसे हम 10 सेंटीमीटर लेंगे तो इसे हमें 12 सेंटीमीटर लेना होगा और इस दोनों के बीच में हमें भार को भी बैलेंस करना होगा। अगर अनबैलेंस हो गया तो ये गिर सकता है, यानी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। देखिए, चूंकि इसका पंखा छोटा है इसलिए यह उड़ नहीं पा रहा है, लेकिन जब हम इसमें बड़े से पंखा सेट कर देंगे तो यह उड़ने के काबिल हो जाएगा। देखिए, वैसे ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और इसे हम अपने घरों पर बना सकते हैं, इसलिए मैंने इसे अपने तरीके से तैयार किया है। धन्यवाद। मेक दिस वीडियो फॉर इंडिया टॉय फेयर and my main purpose is to motivate you to participate in India Toy Fair that is being conducting from 27th February to 2nd March. So you make a new toys from your talent and give you a unique talent to make toys to the world. So I hope you make toys and you also participate in India Toy Fair 2022.